आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। जय जवान, जय जवान। आज सौसर में आयोजित आज इस किसान महारैली में उपस्थित हमारे महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री बड़े भैया, हम सब के लाडले नेता आदरणीय सुनील केदार जी, आज से लगभग 7 दिन से दिल्ली की सीमा पर जो हमारा लाखों किसान अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए वहां पर डटा हुआ है, कड़ाके की ठंड, 3 दिन भीषण बारिश हुई, कल चिलचिलाती ठंड में लाखों लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, लाखों लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं। वो किस लिए? कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार, जिन्होंने किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून लाए हैं, उसका घोर विरोध करने के लिए वहां लाखों की संख्या में आज किसान बैठा है। और आज हम सौसर में इकट्ठा हुए, हम दिल्ली नहीं जा सकते, भोपाल नहीं जा सकते, लेकिन सौसर की इस माटी से आगाज कराते हैं कि दिल्ली में बैठे लाखों किसानों का हम करोड़ों लोग यहां से समर्थन करते हैं। साथियों, केंद्र में यदि कांग्रेस की सरकार होती, केंद्र में यदि कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता, और अगर वो ये इस कालो कानून का साथ देता, तो छिंदवाड़ा जिले का पहला विधायक होता जो अपना इस्तीफा वहां के सरकार को सौंपता। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की गूंगी बहरी सरकार, जिन्होंने केवल देश को गुमराह करने का काम किया, युवाओं को रोजगार देने की बात कहने वाली, करोड़ों रुपए के खाते में डालने की बात कहने वाली, मैं इनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज से 5-6 साल पहले आपको याद होगा कि एक अंबानी ने जियो की सिम निकाली थी, उस सिम को बड़ा लुभावना एडवर्टाइजमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, और अंबानी ने कहा था कि हम इसको हम भी बड़े लालच में आ गए, मेरे पास भी खुद एयरटेल की सिम थी, मैंने उठा के फेंक दी और जियो की सिम ले ली, और ऐसा सबने किया। 1 साल तक इस अंबानी ने मूर्ख बनाया, खूब पैसा बांटा, खूब फ्री में सब कुछ दिया, डाटा दिया, लेकिन आज उस अंबानी का और अदानी का डाटा इतना महंगा हो गया कि सारे लोग अब तरस रहे कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया की सिम बहुत अच्छी थी। यही हाल होने वाला है किसान कानून का। मेरा कहने का आशय यह है कि आपको जो कानून बना है ये सरकार ने, ये कुछ दिन तक बहुत अच्छा बात करेंगे, ये अदानी अंबानी की सरकार आपको और अच्छा भाव दे देंगे, किसानों को लुभावने वादे कर देंगे, लेकिन जब आपका जब समय आएगा, जब साल 2 साल आपको ये वापर लेंगे, आपको यूज कर लेंगे, तो निश्चित रूप से देखना आने वाले समय में गवर्नमेंट की सारी मंडियां बंद हो जाएगी। प्राइवेट मंडियों में हालत क्या होगी आप सब जानते हैं, पहले सरकारी अस्पताल हुआ करते थे, बंद हो गए। प्राइवेट अस्पतालों में क्या होता है, गांधी जी, बिना नोट के कोई दवा खाने में काम नहीं होता। पहले सरकारी स्कूल हुआ करते थे, सरकारी स्कूल बंद हो गए, अब क्या हो रहा है, प्राइवेट स्कूल खुल गए, वहां क्या लगता है, पैसा। आप सबको पता होगा BSNL पहले था, अब आजकल सारी प्राइवेट मोबाइल कंपनियां खुल गई, क्या हालत हो गई BSNL के, ये सब समझने की आवश्यकता है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार केवल किसानों के साथ धोखा, मजदूरों के साथ, बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ, दलित, आदिवासी और हमारे पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक साथियों के साथ धोखा है। साथियों, 15 महीने की आपने कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार देखी, और 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की भी सरकार आपने देखी। इन 15 महीनों में क्या हुआ और क्या नहीं, ये सब आपके सामने है। गद्दार बेईमान ज्योतिरादित्य सिंधिया, हमारे 25 बेईमान विधायक भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिए, और ये पिछले दरवाजे से बनी हुई सरकार किसान और मजदूरों की हत्या करने में लगी हुई, यह आपको समझने की आवश्यकता है। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी जैसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए करी, ये हमारे नेता कमलनाथ जी की देन है। हर रातेदार लंबे लंबे बिजली के बिल आते थे,
2000, 3000, 4000, 5000 हमारे नेता जब मुख्यमंत्री बने तो लगातार आखिरी के 6 महीने तक 100 रुपया 100 यूनिट के बिजली के बिल मिले, ये आपको सबको पता है। गौ माता के नाम पर राजनीति करने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खूब गौ माता के नाम पर वोट लेती है हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी की सरकार। क्या इन 15 सालों में शिवराज सिंह की सरकार ने कोई गौशाला खोली है? पर जैसे ही कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री खुले, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करता, लेकिन छिंदवाड़ा जिले में 200 गौशाला अगर खोलने का काम किया तो वो सिर्फ कमलनाथ जी ने किया। ये समझने की आवश्यकता है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि किसान के हित में फैसले लेने वाली हमारी कांग्रेस की सरकार, आप चिंता मत करिए, बेईमानी छल कपट से बेशक ये भाजपा के लोगों ने सरकार गिरा दी हो, लेकिन आप इतना जरूर ध्यान रखना कि जिले का हमारा अगर कोई नेता है तो वो सिर्फ कमलनाथ और सिर्फ नकुलनाथ है, यह हमको समझने की आवश्यकता है। हम जान रहे, हम देख रहे क्या हालत है अभी सरकार गिरने के बाद, आप देख रहे क्या हालत है, रेत सट्टा जुआ शराब सारे अवैध काम। हमने 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में कभी सट्टा नहीं चलने दिया, कभी गलत तरीके से रेत का अवैध उत्खनन नहीं होने दिया, कभी शराब नहीं बिकने दी। अभी पीपला नारायण वार के हमारे यहाँ बहुत से साथी बैठे हैं, कल बात कर रहे थे पीपला नारायण वार और लोधीखेड़ा के थाने में धड़ल्ले से सट्टा चला रहा है, और सट्टा कौन चला रहा है, कौन चला रहा है बताइए, सारे बीजेपी के लोग सट्टा चला रहे हैं। ये हो रहा है हमारा प्रदेश में पूरे क्षेत्र में हाल। ट्रैक्टर मिलता था कांग्रेस के राज में 1200-1500 रुपए का रेत का ट्रैक्टर मिलता था, आज कितने का ट्रैक्टर मिल रहा है भाइयों, 5000 का एक ट्रैक्टर। और प्रधानमंत्री आवास में हमारे मोदी जी देते हैं 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए शहर में, 2 लाख, 1.5 लाख और 2.5 लाख में मकान क्या बनाएगा जिसको 5000 रुपए की रेत खरीदना पड़ रहा है। उसके किसान से पूछो कि पैसों की कीमत क्या होती है। 15 साल वाले नेता जी, 15 महीने हमको, हमने आपको बिल्कुल हिलने नहीं दिया 15 महीने जब तक हमारी सरकार रही। ये 15 साल वाले जो नेता जी है बीजेपी के, इन्होंने खूब मजा भोगी पहले 15 साल, और अब सरकार क्या उनकी आ गई तो ये 15 साल वाले नेता जी चारों डब्बे में माल समेट कर अपना जेब में भर रहे हैं। ये चाचा भतीजे की सरकार आपको सामने खड़ी है, इस बात को भी आपको और हमको समझना है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि तहसील ऑफिस में चले जाइए, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होते। खसरा निकालना है तो पटवारी को पैसे दो, फलाना गरीबी रेखा का कार्ड बनाना है तो तहसीलदार को पैसे दो, थाने में जाते तो थाने में दलाली शुरू हो गई, भाजपा के 5-6 दलाल बड़े रहते कि नहीं रहते वहां थाने के बाहर, भाजपा के 5-10 दलाल, और वो दलाल सौदा करते क्या हो गया भैया तेरा समझौता करा देता हूं थानेदार से, आधा दलाल और आधा टीआई। ये हो रहा है पूरे क्षेत्र में हो रहा है, पर घबराने की आवश्यकता नहीं। एक तहसील ऑफिस के बड़े मुखिया साहब, 3 बार हमने ट्रांसफर कर दिया इस तहसीलदार का, 3 बार रुकवा दिया इस तहसीलदार ने ट्रांसफर। वो इसलिए रुकवाया कि यहां पर रेत है, यहां पर सट्टा है, यहां जुआ है, यहां शराब है, सारे गलत धंधों से पैसा आता है, इसलिए यहां से कोई अधिकारी जाना नहीं चाहता। यह हमारे सौसर काल में, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कान खोलकर सुन ले कि हमारे क्षेत्र का किसान युवा, हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। सरकार भले ही हमारी गिरी हो, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल नहीं गिरा, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं आप सभी किसान साथियों से, आने वाले समय में ये आपके बीच में चुनाव में आएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, 15 साल वाले नेता जी आपसे वोट मांगने आएंगे जनपद, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायतों में। इनसे एक ही सवाल पूछिए, जब कन्हान नदी में भीषण बाढ़ आई थी तो नेताजी आप कहां थे, पूछिए उनसे सवाल। गांव में घुसने के बाद उनसे जरूर प्रश्न पूछिए कि हमको खाते में जो कमलनाथ जी बिना सर्वे किए, कोई पटवारी नहीं आता था, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आता था, कमलनाथ जी ने कह दिया
कि चलो सर्वे होना चाहिए और हजारों रुपए किसानों के खातों में डल जाना चाहिए, बिना सर्वे के लाखों करोड़ों का मुआवजा हमारे नेता कमलनाथ जी ने डलवाया और ये सब आपके सामने है। वो 15 साल वाले भाजपा के नेता जी से पूछिए, जब वोट मांगने आपके बीच में आएंगे उनसे पूछिए कि आपने 2 और 3 हजार रुपए आज हमारे किसानों के खातों में मुआवजा डाला है। अरे लोगों के खेत बह गए, लोगों के फसलें बह गई, कपास, तुअर, संतरा, फल्ली, सारी फसलें बर्बाद हो गई और 2000 और 3000 रुपए फेंक कर मार रहे हैं शिवराज मामा। कहाँ छुपे हैं भाजपा के नेता सौसर के? क्यों नहीं जाते वहां भोपाल में? क्यों नहीं जाते वहां दिल्ली में? अरे कुछ तो शर्म आनी चाहिए क्या? केवल वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाओगे?